हिंदुस्तान की माफ हो भाई साहब, आदमी और किसी से नहीं डरता, डरता तो सिर्फ मौत से डरता। मैंने यह सीन बरसों तक देखा, सामने से एक लाश आ रही है, पब्लिक इधर से जा रही है, लोग बाग अपनी मोटरसाइकिल को रोकते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, वो उधर निकल जाते हैं। बरसों से इस सीन को देखते हुए मैंने चंद लाइनें लिखी के आती हुई आरती को देखकर सारे सभी झुक झुक कर प्रणाम करते हैं लोग। मैं तो यही सोच सोच कर खुश होता रहा, आत्मा का कितना सम्मान करते हैं लोग। सतगुरु ज्ञानी मिले शब्दों के फूल खिले, सतगुरु ज्ञानी मिले शब्दों के फूल खिले, तब मैं ये समझा क्यों करते हैं ऐसा लोग। और जानते हैं एक दिन हमारा यही हाल होगा, इसलिए झुक के सलाम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है जी, इसलिए सलाम करते हैं। हमारा भी यही होना है, इसलिए आज अवसर मिला है तो अरे लेना में तो लेना में तो लेना दे ये ना भाई ने हाथ सो कर लो भलाई वालों का जगत पे दस कामाला, कर लो भलाई वालों का जगत पे दस कामाला। कंचन वाली काया है सैलानी में तो पावला, कंचन वाली काया है सैलानी में तो पावला। अरे एक दिन जावा जो प्रस्तुत कर रहा हूं वो आज का संदर्भ है, आज का प्रसंग है। अगर मिलना है आज मिल लो, कल हो सकता है हम में से कौन बिछड़ जाए। और आगे आगे यही हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ। तो थाने मिलड़ो वे तो मिलने जगत का बिन खासो, अरे मिलड़ो वे तो जगत का मिले खासो। ओ मेलो बिछड़ो पछे पछतावो ना, बिछड़ो जा मेरे पछतावा। एक दिन जावा नहीं
इसका जो मुख्य आधार, ओम जी ये रचना क्यों लिखी भैरव शंकर जी ने, पूरा जीवन पंडित जी ने लोगों को जगाया, खुद भी जागे और लोगों को भी जगाया। जगाया किसके माध्यम से? शब्दावली के माध्यम से, भजनों के माध्यम से जागृत किया। अरे मानवा चेत, चेत सके तो चेत। और अंतिम में ये कहा कि अगर तुमको गायन करना है, अगर तुमको ये कोड लग गया। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बिटिया खुशी ने और ये दर्शना ने भजन गाए। ये बहुत अच्छे संकेत है, बहुत अच्छा आगमन है। इनको ये कोड हुआ, इनको ये शौक हुआ कि हमें भगवान के भजन करने चाहिए। ये बहुत सुंदर शुरुआत है। ये आज इनको जिन जिन को आपने सुना है, ये रमेश जी, ये महेश जी, एक दिन वो भी आएगा कि पूरा मंच, पूरा भारत, पूरा देश इनको सुनेगा और बहुत प्रेम से सुनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तब खुशी होगी मुझे। आजीवन क्योंकि सदा सब दिन होतना एक समाना, मैंने लगभग जब से इस कार्य को प्रारंभ किया तब से लेके अब तक जैसी भी मुझसे सेवा हो सकी मैं कर रहा हूँ। मगर किसी को बाद में तो करनी होगी, ये काम बंद नहीं होगा, ये काम इसी प्रकार चलेगा। और ये जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही, ये मशरूम है, ये रमेश जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, ये सभी लोग तो मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे खुशी इस बात की कि ये बहुत ही सुंदर कर रहे हैं और बहुत ही निष्ठा के साथ कर रहे हैं। एक बार इन सभी को, ये नवोदित लोगों को आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो एक गान आवे तो, एक गान आवे तो गानो से गुरु जी बड़ा कीर्तनवा, एक गान आवे तो गानो से गुरु जी बड़ा कीर्तनवा, गान आवे तो गालो गुरु जी बड़ा गीतला। गुरु जी ने जो लिखा वो गाओ, बाकी दूसरा कोई मत गाओ। और गुरु जब लिखता है तो बहुत